अपना ये वाला जो सेंटर है 9 साल तो चल रहा है जी। ये असी जी थैरेपी दें वो रीढ़ की हड्डी की स्पाइन के उपर दें जो भी कर दी मशीन करती हैगी है जी। तो इस मशीन की थैरेपी के नाल बड़िया जिया परेशानियां लोगों दी ठीक होंदिया है पैरों दिया रीढ़ की हड्डी दिया डिस्क दिया सर्वाइकल दिया। बिना किसी पैसे तो ही ये कंपनी चल रही है सेंटर चल रहा है। इत्थे ना तो असी कोई डॉक्टर है ना कोई मरीज है असी किसी को मानते हैं असी जिहड़ी थैरेपी दिंदे हैं रीढ़ की हड्डी ते दिंदे हैं। कहिंदे हुंदे जी इलाज नालों परहेज चंगा। परहेज कदों करेगा बंदा जदों उहनूं जानकारी होएगी। सानूं बाकी दी दीन दुनिया बारे जानकारी है सानूं दूसरी दुनिया च की हो रहा है पता है लेकिन शरीर दे अंदर की हो रहा है नहीं पता। जिन्हां दे बच्चे तक नहीं हो सकते जां जिन्हां नूं अधरंग दा अटैक होया काफ़ी क्रिटिकल जिहड़े मैंबर आंदे आ शायद उहनां नूं यकीन नहीं होएगा पर महीने महीना डेढ़ महीना तक उहनां नूं रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता। ज़्यादा तो ज़्यादा इत्थे आ के देखो निःशुल्क है कोई फीस नहीं लगती कोई पैसा नहीं लगता। नमस्कार आत्मा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा लुधियाना में चल रहे सिरा जम सेंटर से यह सेंटर लगभग 9 साल तो चल रहा लेकिन अज इहदा नवीनीकरण किया गया और सच्चे पातशाह दे हुक्म मुताबक अज सुखमनी साहब का पाठ भी किया गया लंगर भी लगाए गए और छबीलां भी लगाई गई अटुट लंगर वरत्या गया। पर इस ते की हुंदा है सेंटर दे विच जिहड़े दर्शक देख रहे हैं उन्होंने दस दिए इस सेंटर दे विच लोगों नूं सेहत दित्ती जाती है। सेहत किस तरह दित्ती जाती है किस राही दित्ती जाती है कि दवाइयां दित्ती जांदियां की किया जाता तुहानूं अज दसांगे। साडे नाल खड़े ने इस सेंटर नूं चलाउण वाले बहुत सालों तो यह सेंटर चला रहे हैं लुधियाना के अंदर तो 9 साल तो चल रहा लेकिन देश के अंदर 17 साल तो चल रहा। लो जी वैलकम कर लें जिन्होंने सेंटर चलाया अमन जी का अमन सर कहते हैं अमनदीप जी इन्होंने मेयर हुई अच्छे सच्चे पातशाह लो ये दसंगे क्योंकि ये मास्टर भी ने और ऑनर भी ने किस तरीके की सेहत देंगे लोगों को फिर गल करेंगे लोगों। हाँ जी सब तो पहला तो थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है जी और जिन्हें भी दर्शक देख रहे हैं जी उन्होंने भी बहुत बहुत स्वागत है। ये कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी है और पिछले लगभग 24 सालों तो दुनिया के 70 देशों में चल रही है और अपने हिंदुस्तान के 2005 के आई सी और 2005 तो लगातार 550 के करीब सेंटर चल रहे हैं इंडिया के अलग अलग कोनों पर और अपना ये वाला जिहड़ा सेंटर है 9 साल तो चल रहा है जी। ये असी जी थैरेपी दें रीढ़ की हड्डी की स्पाइन के उपर दें जो भी कर दी वो मशीन करती हैगी है जी। तो ये क्या होंगे कि जो सा शरीर है रीढ़ की हड्डी एक जड़ मनी गई है तो जी कोरिया की तकनीक है कोरिया के जिन्हें भी डॉक्टर है या जिन्हें भी PhD होल्डर है उन्होंने एक बहुत ही वधिया तरीके इस मशीन का जो एक निर्माण करिया और रीढ़ की हड्डी तो ही क्योंकि साढ़े सिर तो लैके पैर तक रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही चलाया जाता है तो इस मशीन की थैरेपी के नाल बड़िया जिया परेशानियां लोगों दिया ठीक होंदिया है पैरों दिया रीढ़ की हड्डी दिया डिस्क दिया सर्वाइकल दिया। असी फ्री डेमोस्ट्रेशन इतने कोई फीस नहीं लेंदे है पिछले तकरीबन 9 साल तो ही जिवें अपना सेंटर चलता है और 17 साल तो हिंदुस्तान के बिना किसी पैसे तो ही ये कंपनी चल रही है सेंटर चल रहा है क्योंकि बाकी दिया चीज़ों तुसी कितने भी ट्रीटमेंट लैन जाते हो वो तो तुसी जाते हो तो अलग अलग प्रोसीजर हुंदा पैसा लगता हरेक चीज़ का टैसट दे दवाई का लेकिन इत्थे ना तो असी कोई डॉक्टर है ना कोई मरीज है असी किसी को मानते हैं असी जिहड़ी थैरेपी दें रीढ़ की हड्डी ते दें तो क्या होंगे कि अपनी अजकल दी घरेलू आदतां जिवें आपां बहुत ज़्यादा बैठते हैं लेडीज़ एक लत्त दे भार खड़ियां हो जांदियां आटा गुन्नदियां टिड रीढ़ की हड्डी के टेढ़ा मेढ़ा होण करके वो जो नसा दब जांदियां तां प्रॉब्लम आउंदी है। अपनी जिहड़ी थैरेपी है इहदे विच जिहड़े 5 सिद्धांत है हीट मसाज एक्यूप्रैशर कायरोप्रैक्टिक FIR किरणा जिहड़ियां कि अमेरिका दे FDA तो अप्रूवड हैगियां इन्हां दा कोई नुकसान नहीं हैगा चाहे एक दिन का बच्चा इस्तेमाल करे चाहे 90 साल का बुजुर्ग इस्तेमाल करे ये जिहड़ी थैरेपी रीढ़ की हड्डी ते ही हुंदी हैगी है। अपने साडा कंपनी का हैड ऑफिस है गुड़गांव के अंदर उत्थों साढ़े जिहड़े एक रीढ़ की हड्डी के एक एक्सपर्ट जुड़े हुए जी डॉक्टर डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी उत्थे उन्हां दा जिहड़े YouTube चैनल हैगा जी सैराजिम कंपनी का सैराजिम इंडिया के नाम तो उन्होंने बहुत सारे जानकारी वाले लैक्चर है
तो अजकल आपां सिर्फ परेशानी दे आउण तो बाद ही नहीं, परेशानी दे आउण तो पहला अगर आपां शरीर का ख्याल रखांगे तो शायद सानू असी अपने सेहत नूं अच्छी रख के एक लंबी जिंदगी का आनंद माण सकते हैं। ये जिहड़ी थैरेपी है ये सिर्फ बजुर्गों के लिए नहीं, अजकल दे अजोका जिहड़ा जीवन है बच्चे बहुत ज़्यादा फोन यूज़ करते हैं, लगातार झुकन नाल इत्थों नसा दबन नाल सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये वाला पोर्शन सारा सर्वाइकल नाल चलता है, तो बड़े जे मैंबर सर्वाइकल नूं एक बीमारी मानते हैं। सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा है, वो फिर जो मैंबर आते हैं उन्होंने असी लैक्चर दसते भी हैं कि ये हुंदा की है, क्योंकि कहिंदे हुंदे जी इलाज नालों परहेज चंगा, परहेज कदों करेगा बंदा जदों उहनूं जानकारी होएगी। सानू बाकी दी दीन दुनिया बारे जानकारी है, सानू दूसरी दुनिया च की हो रहा है पता है, लेकिन शरीर दे अंदर की हो रहा नहीं पता। इहदे लई असीं की कहिंदे जी डॉक्टरी सब कुछ करन, डॉक्टर भी बेचारे जो करदे आ अपनी पूरा जोर लाउंदे आ, जदों असीं अपने शरीर नूं इक बिल्कुल गाल दिंदे आ, ख्याल नहीं रखदे हैगे, फिर असीं डॉक्टरां कोल चले जांदे आ। अगर असीं पहलां तों शरीर दा ख्याल रखांगे, जिन्ना बाहरी ख्याल रखते हैं इन्ने अंदरूनी ख्याल रखांगे, तो शायद सानू बाहर धक्के नहीं खाने पैणगे कितने भी जाके। 9 साल हो गए, 9 साल च की मनते जो लगभग कुछ देखा जाए तो 365 दिन एक दिन जो होंगे, किन्ने लोग तुसी आज तक ठीक कर चुके होंगे अबाउट जी? क्योंकि मैं जिवें पहला दस्या जी एक डेमोस्ट्रेशन सेंटर है, एक अजोकी मशीनी युग है जी, सारी दुनिया अपने रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करती है, असी भी जिहड़ी थैरेपी दिंदे आ रीढ़ की हड्डी ते दिंदे आ, तां मैंबर आंदे आ आण के इहनूं जांचदे परखदे आ, बड़े जे मैंबर मशीन जिहड़े जिहदी पहुँच है खरीद भी लैके लै जांदे हैगे, साडे विच मैंबर जुड़े भी आ जिन्हां दे घर च प्रोडक्ट हैगे आ। पिछले 9 सालों चों जिहड़े नहीं भी लैके जा सकदे गरीब भी हैगे आ, मैं अगर गल करां हज़ारां की गिणती होएगी जी, साडे करोना तो करोना के दौरान भी असी लगातार फ्री चलाया, करोना तो बाद भी फ्री चला रहे हैं, करोना तो बाद थोड़ी जी गिणती घटी है क्योंकि मैंबर थोड़ा डरते हैं भीड़ च जान चो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन काम साडी इम्यूनिटी नूं बधाउणा, अगर असी पिछले अपने वैदा नूं फरोलिया जाए, अपनी जो अगर पुरानी जो साइंस है उन्होंने फरोलिया जाए, तो शरीर गर्म होना बड़ा जरूरी सी, गर्मी का मौसम आ, असी ठंडा पानी ठंडा एसी वरतते हैं, तो बहुत सारिया समस्यावां आउंदियां। तो गिणती तो हज़ारों के विच है, लेकिन अगर मैं एसटीमेटेड कोई अंदाजा नहीं होएगा, लेकिन 9 सालों जो तुसी देखो अगर एक दिन असी 300 बंदे भी थैरेपी दें तो किन्ने मैंबर हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर थैरेपी लैनी बड़ी जरूरी है, घट तो घट 90 दिन एक बंदा जो है जी वो आता है जी। कितनी देर थैरेपी लैनी पैंदी ताकि एक बंदे नूं थोड़ा बहुत जो सेहतमंद हो जाए, जिन्होंने छोटी प्रॉब्लम किसी सह की प्रॉब्लम है, दमे की जिदा प्रॉब्लम है, किसी शुगर की आ, ब्लड प्रैशर की आ, सर्वाइकल तुसीं दस्सिया, ईवन सब तो ज्यादा रीढ़ की हड्डी चूल्हे की प्रॉब्लम है जी, जी, जी। वजन दर्द करता, इदा दिड़िया प्रॉब्लम्स आ, लोगों को कितनी देर से थैरेपी लैनी चाहिए, कदों तक वो थोड़ा बहुत जो है ठीक होना शुरू हो जाता जी? जिमें कि हरेक प्रॉब्लम ठीक अपना खुद का शरीर करता जी, अगर कोई बंदा घर दे विच भी कसरत वर्जिश करता हैगा, थोड़ा ख्याल रखता है, तो विद इन मंथ एक महीने के रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल है उन्होंने 90 दिन का असं टाइम पीरियड कहने, 90 दिन तो 120 तीन तो 4 महीने का टाइम कहने, जबकि महीने के रिजल्ट जिहड़ा हैगा जी पॉजिटिव आता है। बाकी हरेक इंसान के शरीर पर डिपेंड करता है, हरेक इंसान दी आदतां खाना पीना सौना हरेक चीज़ अड्ड अड्ड तरह की हैगी है, तो बाकी जिहड़े साडे मैंबर आ तुसीं इन्हां नाल गल करोगे ये तुहानूं होर भी एक कॉन्फिडेंस नाल दसणगे, क्योंकि कहिंदे हुंदे जी जां राह पिया जाणी है जां वाह पिया जाणी है, तो इन्हां नूं ज़्यादा पता होएगा मेरे नालों, क्योंकि उम्र च भी मेरे नालों बहुत बड़े ने और इन्हां ने इस चीज़ नूं मेरे नालों ज़्यादा एक्सपीरियंस करिया होया, मैं तां एक चलाण वाला हैगा, लेकिन इन्हां ने उस चीज़ नूं दिल तों परखिया भी है, जिवें साडे पापा जी आ घर दे विच वरत रहे आ, मशीन लैके भी गए हुए है, होर भी बड़े मैंबर है वो जदों इसनूं जांचदे परखदे आ फिर उन्हां नूं पता लगता भी जिहड़ी असी सेहत दा ख्याल सेहत खोण तो बाद ही रखते हैं, अगर पहला रखांगे तो शायद फायदा ज़्यादा होएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साडे नाल सन्नी जी भी जुड़े ने। सन्नी जी, जिस तरीके नाल आम आदमी सोचता भी उत्थे जावांगे फ्री च थैरेपी मिलती है, अजकल तो पानी का कप जिहड़ा गलास वो भी फ्री नहीं मिलता, तो किस तरह तुसीं इलाज करते हो फ्री दे विच? सर ये तो वाहिगुरू के उपर डिपेंड, जिहड़ा अपना सेंटर खोलिया है लुधियाने दे विच, फ्री थैरेपी अपना जे अमन सर ने दसा है कि कोई भी प्रॉब्लम हैगी है इंसान का शरीर खुद आप ठीक करता है, क्योंकि ये जी थैरेपी हैगी इन्हें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करना है, क्योंकि जो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हैगी है तो अपन कोई भी बीमारी नहीं लग सकती हैगी है। ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? लोग डरते हैं भी बहुत साढ़े जिदा नस मसा खिंच। सर मैं बिच इंटरप्ट करना चाहवागा, क्योंकि देखो जी तुम पहले दिन जिम भी जाते हो, तुम सैर करने भी जाते हो,
ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕਾੜੇ ਪੀਤੇ, ਤਾਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਐਡੀ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ FDA ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਅਤੇ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ FIR ਕਿਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੂਏਟਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹੀ FIR ਕਿਰਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ? ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨੂੰ 5.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਸਟੈਪੀ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਾਇਸਿਸ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਧਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਹ ਦਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, BP ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ? ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਆ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਵਧੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਰਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਨ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਜਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਲੰਬਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਹਿਰਾ ਜਿਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਸਹਿਰਾ ਜਿਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੂਲੇ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ। ਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਐਕਚੁਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ
सॉरी थरोसिक पार्ट हैगा इहदा तीन भाग दे अंदर हैगी है अपनी स्पाइन जिहदे विचों अपनी उहदे अंदर अपनी इस ब्रेन तों एक मोटी नस जांदी हैगी जिहनूं स्पाइनल कोड कहिंदे आ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਨਕਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਸਕਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਰਾਜਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਟੰਟ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਟੰਟ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੰਟ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਨਸਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਔਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀਟ ਦੇਣਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੋਡੀ ਗਰਮ ਰਹੇਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਲਏ ਖਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੈ ਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਰ ਗਰਮ ਪੇਟ ਨਰਮ ਸਿਰ ਠੰਡਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਚਣਗੇ ਪਰਖਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸੈਰਾਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ V3 ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਸੈਰਾਜਿਮ ਨੂੰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡੇਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 45-45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ 45-45 ਮਿੰਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਦਮ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਰਾਜਿਮ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜੀ ਐਲਰਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੈਰਾਜਿਮ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਜੇਗਾ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ
उस तो मैं कंटिन्यू 3 महीने हो गए लगातार मैं कोई छुट्टी नहीं करता और मेरा चेस्ट की जी गिल्टी बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल ही खत्म हो गई है, ना दर्द है ना लैनी है। मेरी शुगर दी 2 गोलियां सवेरे 2 शाम से मैं 1 गोली लैंदा हूँ। मैं सहरा जिम का बहुत शुक्रिया अदा करता और ये परमात्मा ने ये चीज़ बनाई है और बहुत बहुत फायदा होया इस सहरा जिम के उत्ते मैनू। हाँ जी बहुत जी, की नाम थोड़ा? हाँ जी, मेरा बलदेवराज सहगल है। हाँ जी, कितनी देर तो आ रहे थे? मैं इतने आ रहा 4 फरवरी तो 2022 तो तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम मैं प्रॉब्लम वैसे कोई खास नहीं सी, लेकिन मेरा ना 2 फरवरी एक्सीडेंट हो गया सी, एक मेरा मोढ़ा उतर गया सी, बाइक स्लिप हो गई थी, तो उस करके मेरा ठुक गया, मोढ़ा डिस्प्लेस हो गया सी। तो मैं ना तो फेस कर सकता ना, मैं ना थोड़ा हाथ हिलता ही नहीं सी, बिल्कुल पूरा जाम हो गया ठंड के दिन के सन। तो फिर मैं रात कार प्लास्टिक बोतल सिखाई सिकुई की, लेकिन वह काम चलिया नहीं। फिर मैं इतों का आइडिया पहले किसी बंद ने दसिया कि सैर जिम करते हैं भाई, वो सिखाई करते हैं पूरी बॉडी की। मैं क्या वो देखी मशीन ना सिखाई लैके भी शायद फर्क पे, तो मैं फर्क पै गया। हूँ मेरा 90% फर्क पै गया, थोड़ा हल्का जहा हाथ चुकना दर्द है, लेकिन बाकी नाना धोना खाना पीना 90% फर्क, मतलब 100% पै जाएगा। रोज़ थेरेपी लोगे? हाँ नहीं, मैं थेरेपी तो कंटिन्यूस लै रहा, मैं किसी से नागा नहीं की 4 फीस आ गया, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, आई एम डेली कमिंग। रोज़ थेरेपी लैंना ठीक होता बंद, गैप नहीं पाना चाहिए, जो भी काम करना नियम ना करना, अगर गैप पै गया तो फिर नेचुरली जब रोटी एक दिन नहीं खावे तो एनर्जी बनेगी नहीं। तो जो भी सिस्टम ऑफ वर्किंग है, रोटी को गैप नहीं पैंता तो फिर अपनी इजाज में गैप नहीं पैना चाहिए। सा जुड़े ने सास साहब, सास साहब की ना दिदास सिंह मेरा नाम है जी। दिदास जी कितनी देर तो जुड़े हुए इस सेंटर ना, कदों तो आ रहे हो? मैं तो वैसे 15-20 पहला तो मैं सब तो पहला तुहाडे चैनल का धन्यवाद करदा, अपने चैनल ने कवरेज किया। कारण मैनू सर्वाइकल की बीमारी सी बहुत 15 साल तो, हाँ मैं 15-20 दिन के बच्चे ही मेरे हाथ पैर जड़े ने हाथ कम नहीं सी करते, हूँ मैं बटना कम करते, मैं कप भी मेरे हाथों चाह का छुट जाता सी, हूँ मैं अपने बटन भी ला लेना, मेरे सारा कुछ नाला मेरे को नहीं सी अपना बजता। मैं हाँ मैं बहुत ठीक हाँ, व्यापार तो लोग हर बंदा ही करता, पर व्यापार करने का तरीका जोड़ा ना वो बहुत वधिया, लोगों को समझा के बीमारी फ्री इलाज करके फिर कोई धक्के ना किसी कोई नहीं दिता, कोई चीज़ ना कोई लेंदा, तो जोड़ा काम आ बहुत वधिया। और मैं इस धन्यवाद करता इन्होंने जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पब्लिक वास्ते बहुत अच्छा कर रहे हैं। होर जुड़े ने सीनियर सिटीजन, हाँ जी की कहना चाहोगे? मेरा नाम मनवर सिंह जी है जी, मनवर सिंह नाम है जी। मैनू जी 5 महीने हो गए लगातार। अच्छा, तो एक्सपीरियंस रहा तुम्हें की प्रॉब्लम सी, हूँ 5 महीने की ठीक होया? मैं 2020 से रिटायर होया सी। अच्छा, उसी टाइम कोरोना लग गया। okay. और वो कोरोना करके जो 2-3 महीने या साल 2 साल घर बैठना पड़ा, उससे मेरा शुगर और बीपी बढ़ गया था। अच्छा, लेकिन अब मैं जब 5 महीने लगातार यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं करी मैंने, तो मैं इस टाइम बीपी भी मेरा ठीक है और शुगर से भी मैं ठीक हूँ। और ये मेरे से झुकया नहीं जाता सी और झुकता सी तो उठाया नहीं जाता सी। अच्छा। तो आज मैं बहुत अच्छे ढंग से उठ भी सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ। मेरे कमर की जो पेन सी वो मेरे ख्याल से 50% ठीक हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छा कारो काम है इन लोगों का जो ये थेरेपी दे रहे हैं। बहुत से गरीब गुरुओं का काम बहुत अच्छा है यहाँ पर, जो डॉक्टर की फीस नहीं भर सकते सी, बड़े अच्छे देखे हमने, कई बच्चे भी देखे मैंने अपने आँखों यहाँ पर, जो 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे अपाइज हो रखे थे, बोल नहीं सकते थे, गूंगे सी, या जिन्होंने कहते नज़र नहीं आता सी, वो भी बच्चे मैंने यहाँ पर देखे हैं। तो मैं कहना कि बहुत ही अच्छा, गरीब के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इनका शुक्र शुक्र परमात्मा असी ये अरदास कर देंगे अमन सर के लिए कि बहुत अच्छा इन्हों का जीवन व्यतीत होए जो ये गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, और जिनको फायदा होया वो यहाँ से मशीनें भी ले जा रहे हैं। लेकिन कोई कंपलसरी ये कोई वो नहीं करते हैं कि तुमने हमारे से चीज़ लेनी लेनी, ये सेवा भावना से बहुत सेवा कर रहे हैं। 4 महीने का कार्ड बनाते हैं और 4 महीने में हमारे शिकायत जाती है कि 4 महीने में हमारे खून का पूरी बॉडी का खून सर्कुलेशन होता है तो हमारी बीमारी कटती है। बहुत अच्छे ढंग से हमारे को पढ़ाते हैं, सवेरे 1.5-2 घंटे हमें पढ़ाते भी हैं, हमारे यहाँ वर्जिश भी करते हैं, और उससे हमें जो आज 60-65 साल की उम्र में हमें अपने शरीर का ज्ञान नहीं था कि हमारी रीढ़ की हड्डी से कितनी नसें किधर जाती है, कितनी नसें किधर सा कौन सी नस किस अंग को जाती है, या रीढ़ की हड्डी के बीच में कौन सी नस होती है जो हमारे खून बना रही है,
जिसको सुपर्णानाश कहते हैं। ये चीज़ हमारी 65 साल की उम्र में हमें कुछ नहीं पता था, अपना काम करते थे और काम करके अपने घर आ जाते थे। तो ये शारीरिक तौर पे अब 65 साल बाद मुझे पता लगा कि मेरे शरीर के अंदर क्या है क्या नहीं है, किस तरह हमारा अंग है। और तो क्या, हमें जब यहाँ पर आए आए तो अमन सर जी कहते थे पेट का, हम अपना पूरे पिंजरे को पेट कहते थे, लेकिन ये पेट भी हमारा अलग है। हर सिस्टम जो हर एक हिस्सा है, जैसे कि सामने दिखाया है शरीर के पूरे अंग दिखा रखे हैं, तो ये रीढ़ की हड्डी से जो 31 और 31 नस दोनों पास ही डिवाइड होती है, वो हर नस किसी न किसी शरीर के किसी न किसी अंग को हमारी जाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरा, मैं बहुत ही अच्छा लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि जो आदमी किसी भी बीमारी से त्रस्त है वो यहाँ पर आए, 32 सेक्टर में आए और यहाँ पर से थेरेपी लेके अपने शरीर को ठीक ठाक करें। तकरीबन आता असं 6 महीने तो रहे हैं, अजय 2-4 दिन वास्ते आए थे भी देख लें माता को फर्क पैंता या नहीं पैंता। मैनू तकलीफ ये मेरिया जो पिंजड़िया ने लत्त दियाँ ये दर्द कर दी सी, तो मेरे तो जानी चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा, थकिया रहा पै रहना मैं, तो वो वैसे भी मैं महसूस होंगे सी मेरे शरीर में मतलब मालिश की लौड़ आ, और ये मालिश भी होंगी आ, गरमैश भी दी मशीन। तो असी जी मतलब सानू पता लग्या मतलब मेरी भाण जो मतलब इतने आँदी सी पहले, उन्होंने तकलीफ सी कोई, तो उन्होंने दस्या तो असी सीधे मतलब इतने आ गए। किन्नी देर ठीक हो जी? ये जी तकलीफ मैं मेन तकलीफ मैं जिदे करके आया सी, ये 20 दिनों ठीक हो गई सी मेरी, 20 दिनों। उस तो बाद मैं तुरया फिरदा घोड़े वांगू तुरदा, मतलब कोई चक्कर नहीं आया। थेरेपी हाँ जी आना फिर आए ना, फिर बाद हो गया वो तरीक तबीयत हट गई मेरी, बिल्कुल हट गई। उस तो बाद की है कई दफा मैं एक्सीडेंट वगैरह होया जा मतलब मेजर कई मतलब सल्टा सुल्टा लगियां सीगियां, वो चीज़ा फिर मतलब मशीन ने मतलब फड़िया ने। वो मैं बीपी भी आ, शुगर भी आ, लत्तां दे दर्द भी आ, लत्तां दे सुन्नपन भी है। मैं रात में हमेशा बेचैनी लग जाती है, नींद आती पर मैं एक गोली लैनी आ, मैं लिखवाई सी गोली उतो डॉक्टर तो, मैं कहा मैं नींद नहीं आती, तो बेचैनी करके नींद नहीं आती, तो उन्होंने एक छोटी जी गोली लगाई है मैनू, तो वह मैं एक लैनी, पहले मैं 2 भी लेंदी सी, तो हूँ मैं काफ़ी देर तो एक लैनी हाँ, पर मैं अभी उन्होंने छड नहीं रही, मैंने इतने आंदी 15 दिन हो गए। हाँ जी फर्क पाया कुछ? हाँ जी हाँ जी, मैं मेरे लक में फर्क आ, हाँ जी लक मेरा बहुत दर्द करता से वो मैं फर्क आ, तो लत्तां भी दर्द में भी फर्क आ, तो पर हजे मैं गोली छड के फिर ही मैं दस सकती भी बेचैनी फर्क है कि नहीं। हाँ जी जो 15 दिनों फर्क महसूस कर रहे हो तो यहाँ मतलब जी थेरेपी ठीक हो रही? ठीक हो रही। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਰਾਜਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਸਿਟੀ ਐਮ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ।